हेलो दोस्तों, जय जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? लेके आ गए मैं आपके लिए आज का इंडिया का हिस्ट्री का लेक्चर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हम इसमें आपकी कोशिश करेंगे कि आज आपके दिल्ली सल्तनत जितनी खत्म कर सके कर दें, ताकि एक या दो लेक्चर और लगे फिर हमारा हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और मुगल्स हमारा खत्म हो जाए। इस वीक का मेरा टारगेट रहेगा कि आपका दिल्ली सल्तनत और मुगल दोनों खत्म करवा के नेक्स्ट वीक से फिर मैं आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे आ जाऊँ, जिससे फिर हम हिस्ट्री को 2 हफ्ते में जो हमारा टारगेट था उसे कंप्लीट कर पाएँ। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। इसको शुरू होने से पहले बता दूँ, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेक श्योर करें कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये चैनल आपको बेस्ट डिफेंस एजुकेशन देने वाला है पूरे इंडिया में। देखिए, अगर आपने अभी तक डिफेंस फैब्रिक बैच को ज्वाइन नहीं करा तो मैं बता दूँ कि आपके लिए आज आखिरी मौका है, क्योंकि 9:30 बजे आज रात से मेरी जीके की क्लास शुरू हो जाएगी और भी टीचर्स के लेक्चर्स सब्सिक्वेंटली शुरू हो चुके हैं, मैं इतना बता सकता हूँ। तो आज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वाईफाई डिफेंस को कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आप चाहें तो यहाँ पे हमारी फ्री क्लासेस का भी ले सकते हैं फीडबैक, वहाँ जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ओके गाइस, तो देखते हैं आपको वहाँ पे आपके डिफेंस फायर पर बैच के, और ये वाईफाई से भी लाइव टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, डिफेंस आर्म चैनल को भी, जिससे आप अपनी डिफेंस की जर्नी और लाइव टेस्ट देके अपने सारे एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ। शुरू करते हैं अपना, मैं ज़रा स्लाइड खोलूँ जिसमें हमारे को जाना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट सबसे पढ़ा था कि कैसे इल्तुतमिश हमारे पहले असली सुल्तान थे, एक्चुअल फाउंडर थे, तो अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। ये आपके 1211 से लेके 1236 तक रही है। ये आपसे पूछा सकता है कि इनका कार्यकाल कब तक था, इनका रूल कब तक करा था इन्होंने, और ये एक्चुअल फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के। और इनके रिलेटेड जो फैक्ट्स वो मैं बता देता हूँ। पहली बात, एक थर्ड बैटल ऑफ तरेन इन्होंने लड़ा था, थर्ड बैटल ऑफ तरेन, पहला और दूसरा आपके मोहम्मद गौरी और आपके सॉरी हाँ पृथ्वीराज चौहान और उनके बीच में हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ तरेन आपके यलदौज, अरे क्या हो रहा है, जल्दौज वर्सेस इल्तुमिश हुआ था जिसमें इल्तुमिश की विजय हुई थी। ओके, 1221 में होता है आपका जेंगिस खान का इन्वेजन। ठीक है, 1221 में पूछ सकते हैं कि किसने क्या कौन सा राजा था जिसके टाइम पे आपका जेंगिस खान का इन्वेशन हुआ था, तो आपका 1221 में होता है आपका जेंगिस खान का इन्वेशन, ये पूछा जा सकता है और ये पूछते हैं क्वेश्चन। अगला, इन्होंने आपके सिल्वर कॉइन जिनका नाम था आपका टंका और आपके कॉपर कॉइन जिनका नाम था जीतल इशू करे, इशूड सिल्वर कॉइन्स टंका एंड कॉपर कॉइन्स जीतल या जेतल, सिल्वर कॉइन्स टंका और कॉपर कॉइन्स जेतल इन्होंने इशू करा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने एक सिस्टम और दल चलीसा या तुर्का ने चलगलानी, ठीक है, 40 ट्रस्टेड स्लेव जो इनके पूरे चीज़ों में आप कह सकते हैं एडवाइजरी काउंसिल थी इनके, जो पीएम की होती है ना एडवाइजरी काउंसिल, वैसे यही थी। तो उन्होंने दाग ए चलीसा सिस्टम शुरू करा जिसमें आपके 40 मोस्ट ट्रस्टेड स्लेव्स थे। कितने थे आपके? 40 ट्रस्टेड स्लेव्स इन्होंने ये सिस्टम शुरू करा था, जिसके तहत आपके ये जो 40 ट्रस्टेड स्लेव्स हैं ये आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है, और आप इनसे कह सकते हो कि आप राय ले सकते हो, आप इनसे चीज़ें पूछ सकते हो। तो क्या आता है आपके 40 ट्रस्टेड स्लेव्स, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है कि दागे चलीसा स्टार्ट करने वाला कौन था, आप क्या बोलेंगे? इल्तुमिश। फिर आपसे भी पूछा जाएगा कि सिल्वर कॉइन्स किसने इशू करे, वो आपके इल्तुमिश, उसका नाम क्या था टंका। कॉपर कॉइन्स किसने इशू करे, उसका नाम क्या था आपका जीतल। 1221 में सबसे पहली बार जेंगिस खान किसके रूल में आया था, तो वो था इल्तुमिश। और थर्ड बैटर और तरीन किसके बीच में था, बोलेंगे यलदौज और इल्तुतमिश के बारे में। तो ये था उनके बारे में, और भी जैसे चीज़ें इन्होंने स्टार्ट करी, आपका इक्ता सिस्टम भी स्टार्ट करा। आपको यह मान सकते हो कि आज के टाइम पे आपका
गवर्नर सिस्टम, ठीक है, जमींदारी सिस्टम, इसे हम क्या कहते थे आपके इक्तेदारी, ठीक है, इसे हम क्या कहते थे जो इसमें इक्ते सिस्टम में हेड होता था उसे हम कहते थे इक्तेदार, इसमें आपका इक्तेदार होता था, जैसे इक्तेदारी कहा जाता था, वो रेवेन्यू कलेक्शन करेगा, रेवेन्यू कलेक्शन, उसका काम क्या होता था आपका रेवेन्यू कलेक्ट करने का। ओके, 1239 में इन्होंने कुतुब मीनार को खत्म करा, जो शुरू करा गया था आपके किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट करा गया था आपका कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार ऐबक ने आपका कुतुब मीनार स्टार्ट करा था। ओके, और खत्म किसने करा था आपका 1239 में, किसने खत्म करा था आपका ये, चलिए कुतुब मीनार के बारे में बता ही देता हूँ, ये तो स्किप हो गया होगा जब मैं आपको कुतुब मीनार ऐबक के बारे में बता रहा था। शुरुआत इसकी हुई थी 1199 में, 1199 में इसकी शुरुआत हुई। ओके, और एक आपके कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार थे उनके नाम पे से बनाया गया था, ऐबक ने स्टार्ट करा 1229 में, इसे इल्तुतमिश ने खत्म करा, ऐबक स्टार्ट इल्तुतमिश फिनिश, फिर आपका ये 1369 में से फिरोज शाह तुगलक ने फिर से थोड़ी सी मरम्मत करवाई 1369 में, जब आपकी जो आपकी तुगलक डायनेस्टी थी, फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने इसकी मरम्मत करवाई, ठीक है, और फिर आपकी 1489 से लेके, ठीक है, इसमें आपके सिकंदर लोधी जी ने भी थोड़ी रिपेयर करवाई। ओके, पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर बात को बाकी जो चीज़ें वो तो बाद में लिखेंगे जब उनके बारे में पढ़ेंगे, पहले आप इतना लिख लीजिए, बाकी जिसने जब रिपेयर करी वो तब देख लेंगे। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये पूछ लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत ने किसने रिपेयर नहीं करवाई, ठीक है, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट है, एक था किसके नाम पे आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार अली इनके नाम पे रखा गया था, नॉट कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं रखा गया था। ओके, फिर ऐसे 1479 से लेके 1517 तक सिकंदर लोदी ने भी रिपेयर करा, मतलब तो पूरा एक कह सकते कि फ्लो से मरम्मत करा। हुआ क्या था कि आपकी एक लाइटनिंग हुई थी, थंडर स्टॉर्म आया था जिससे ऊपर की कुछ मंजिलें डिस्ट्रॉय हो गई थी, फिर उन्होंने सीढ़ियाँ बनवाई, इन्होंने दो फ्लोर्स बनवाए, तो सिकंदर लोदी ने इसको करा था। तो चार जो शख्सियत थे इन्होंने आपका पूरा कुतुब, जो आपका कुतुब मीनार था उसको पूरा करा, सबसे पहले 1199 में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट करा, 1229 में से इल्तुतमिश ने फिनिश करा, 1369 में से फिरोज शाह तुगलक ने फिर से बनवाया, थोड़ा और रिपेयर करवाया, कुछ चीज़ें बनवाई, 1489 टू 1517 तक सिकंदर लोदी ने इसे फिर से बनवा के इसमें कुछ चीज़ें ऐड करवाई और इसे रिपेयर करवाया। ओके, और 1229 में इल्तुतमिश ने अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर ली, इल्तुतमिश शिफ्टेड कैपिटल टू दिल्ली, 1229 में इल्तुतमिश ने अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर ली, और 1237 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ही डाइड, और इनका टोम पूछते हैं इनका टोम कहाँ पे है, एंड दिस टोम इज नियर कुतुब मीनार, इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो आपका कुतुब मीनार के पास है। ओके, और इनकी बेटी थी आपकी सबसे जो ओल्डेस्ट इनका बच्चा था वो कौन सी थी आपकी, नाम सुना होगा आपने, दिल्ली सल्तनत की ओनली फीमेल रूलर थी, उनका नाम क्या था आपका रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो मेरी अगली उत्तराधिकारी या अगली दिल्ली की शासक बनेगी, लेकिन जो उनके बड़े भाई थे आपके रुकुबुद्दीन फिरोज शाह वो थ्रोन पे बैठ गए आपके 1237 में। तो क्या हुआ, रजिया सुल्तान वॉज टू बी रूलर
बट रुकमुद्दीन सैट ऑन थ्रोन इन 1236, मतलब 1227 में रुकमुद्दीन जो इनके बड़े भाई थे वो बैठ गए। बैठना रजिया सुल्तान को था, बनना उन्हें था, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया था, उन्हें बना दिया था, लेकिन बैठ उनका उनके बड़े भाई रुकमुद्दीन। ओके आगे चलेंगे अब। फिर बहुत मतलब खून खराब होता है, रजिया सुल्तान को एक कोई आदमी पसंद था जो उनके सिर्फ जैसे कि घोड़ों को ट्रेनिंग देता था वो आदमी वैसा पसंद था, तो जिनके भाई थे उन्हें पसंद नहीं आया तो उन्होंने उसके आशिक को मरवा दिया, फिर बहुत चीज हुई। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। रुकमुद्दीन किल्ड एंड रजिया बेकेम सुल्तान, रजिया बेगम आपके सुल्तान बन गई। रजिया सुल्तान कब से कब तक आपकी 1236 से लेके 1240 तक ही सुल्तान रही। रजिया सुल्तान बारह सौ छत्तीस से लेके 1240 तक ही सुल्तान रही, ये भी पूछ सकते हैं। दिल्ली सल्तनत की ओनली फीमेल रूलर, ठीक है, फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली। अगला, बैरम शाह ने मारना चाहते थे और दल चलीसा ने भी कहा कि एक औरत कैसे बन सकती है हमारी सुल्तान, तो दल चलीसा बैरम शाह, ठीक है, जो उनके भाई थे वो उन्हें मारना चाहते थे। मैं ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, बैरम शाह ब्रो का मतलब समझते हैं ना, ब्रो का मतलब ब्रदर ही, भाई, एंड दल चलीसा वॉन्टेड टू किल हर, क्योंकि ये था एक औरत हमारे को कैसे हमारा शासन कर सकती है। ठीक है, इनके ना दो ट्रस्टवर्दी आपके इक्तदार थे, एक का नाम था आपका एदगुइन और एक का नाम था आपका अथूमिया। ठीक है, एदगुइन और आपके अथूनिया, एदगुइन तो आपके थे बदाऊं के इक्तदार और अथूनिया थे आपके पंजाब के इक्तदार, उसके ट्रस्टवर्दी इक्तदार थे, कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, एक का नाम था आपका एदगुइन या एदगुइन, एक का नाम क्या आपका अथूनिया, एदगुइन और एथूनिया, ये थे आपके बदाऊं के, ये याद पूछ लेते हैं, और ये था आपके कैसे पंजाब के, ये ट्रस्टवर्दी इक्तदार से इनके, रजिया सुल्तान जी के विश्वास पात्र थे दोनों, कि इन पे विश्वास कर सकती थी आपकी रजिया सुल्तान। ओके, होता क्या है कि इनको एक इनका नाम एक लवर था, ऐसा मैंने बताया, उसका नाम था आपका यकूत खान, और इन्होंने अमीन ए या अमीर ए अखनूर बना दिया, जो आपके हॉर्स का पूरा देख रेख करेगा, हॉर्स की ट्रेनिंग का, तो वो था एक स्लेव, लेकिन उन्होंने उसको इतना बड़ा एक दर्जा दे दिया, क्योंकि उस टाइम घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, तो सारे रूलर्स होते, तो ये लोगों को बात पसंद नहीं आई। शी हैड अ लवर यकूत खान, और इसे उन्होंने अमीर ए अखनूर बना दिया, अमीर ए अखनूर बना दिया। ठीक है, 1240 में अथूनिया ने बटिंडा जो पंजाब में है वहां पे आपकी बगावत कर दी, रिवॉल्ट बाय अथूनिया, मैं टाइमलाइन के बेसिस से पढ़ा रहा था ताकि आपको याद रहे, 1240 में अथूनिया ने रिवॉल्ट कर दिया, कहां पे आपको बटिंडा में, पूछ सकते हैं कहां रिवॉल्ट करा था अथूनिया ने। ठीक है, अल्दुनिया ने यकूत खान को मार दिया, अथूनिया ने आपके जो आपके यकूत खान को मार दिया था और आपके रजिया सुल्तान को प्रिजनर बना लिया। ठीक है, किल्ड यकूत खान एंड मेड हर प्रिजनर, उन्होंने कहा कि अगर आपको दिल्ली चाहिए तो मैं आपको मेरे से शादी करनी पड़ेगी ताकि आप
वहाँ के सुल्तान हो और मैं आपका पति आपका शौहर, जिससे मैं दिल्ली पे रूल कर सकूं। ठीक है, इन्होंने ये कह दिया। तो इसलिए राजा सुल्तान जी ने हार मान के अतुनिया से शादी कर ली। ठीक है, मैरिड हिम एंड केम बैक टू दिल्ली। ये दिल्ली वापस आने लगे, लेकिन दिल्ली के बाहर ही आपके इन्हें बहरम शाह जी ने एक चाल के तहत इन्हें कैथल, जो आपकी एक जगह है कैथल हरियाणा में, वहाँ रोक लिया। और इन्हें जो टेंट था आपका रजा सुल्तान जी का, उसे सराउंड करा और अल्दुनिया के साथ साथ इन्हें मार दिया। और इसलिए जो एक गाना है आपका कि रजिया गुंडों में फंस गई, उसकी प्रेरणा यहीं से ली गई थी कि रजिया के टेंट को घेर के उन्हें मार दिया गया। ठीक है, तो मैं ये लिखा रहा हूँ कि किल्ड बाय भैरम एंड टीम, थोड़ा शॉर्ट में फन में लिखेंगे, भैरम एंड टीम इन कैथल हरियाणा। और इसलिए जो टोम्ब है इनका, मकबरा है, वो भी आपका हरियाणा में है, वो भी आपका कैथल में ही है, टोम्ब भी यहीं पे है जो आपका मकबरा होता है। ओके, टोम्ब भी आपका यहीं पे है। 1240 में इन्हें मार दिया गया बैरम शाह के द्वारा। बैरम शाह बनते हैं आपके नेक्स्ट सुल्तान, जो आपके सिर्फ 1240 से लेके 1242 तक ही रहे। बैरम शाह को जो आपके बने थे वो सिर्फ आपके 1240 से लेके 1242 तक ही रहे। क्यों? क्योंकि भाई अगर बगावत करे तो बगावत आपके साथ भी हो सकती है, कोई आपको मना तो करेगा नहीं। किसी किसी को पावर से क्या दुश्मनी, सब चाहेंगे कि पावर हमारे पास भी आए, है ना, सब ये चाहेंगे कि पावर हमारे पास भी है, क्यों क्यों नहीं चाहेगा। तो यही हुआ किसके साथ था, भैरम शाह के साथ। मारा तो उन्होंने ये सोच के था कि यार हमार को भी पावर चाहिए, लेकिन हुआ क्या, सिर्फ इसका उल्टा ही हुआ। पावर तो मिली नहीं, जान छोर बाजी मारने की पड़ गई। ठीक है, और चलिए कोई नहीं, अब पढ़ते हैं अपने भैरम शाह इसके ऊपर। अगला आते हैं आपके भैरम शाह। कारा काल सबका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर आपको एक अंदाजा रहेगा कि कौन किसके बाद आया, तो आप अपने आप लिख सकते हो। रजिया सुल्तान जी का इंपॉर्टेंट है, कुतुब मीन ऐबक का इंपॉर्टेंट है, और आपका इल्तुतमिश का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अच्छा किसी का नहीं है। तो 1240 से 1242 तक ही रहे, 1240 से 1241। इन्होंने एक पोस्ट ऑन करे, इसका नाम था आपका नयाबे मुमालक, नयाबे मुमालक, जिसपे पहले कौन थे आपके एतुगिन, एतुगिन ही आपके नवाब मुकालत थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं अगर साथ ना दूं दुनिया का तो मेरे को क्या मिलेगा। भैरम शाह ने कहा था मैं तुम्हारे लिए एक नया पोस्ट बना दूंगा, नयाबे मुमालक। ओके, क्रिएटेड न्यू पोस्ट ऑफ नयाबे मुमालक, पहले कौन थे आपके एतगुन। ओके, और मंगोल्स ने पहला अटैक करा पर दिल्ली सल्तनत ने इनके अंडर, अब इन्हें जेंगिस खान के अटैक से कंफ्यूज में करा, मंगोल्स अलग थे, मंगोल्स अलग थे, तो मंगोल्स का पहला अटैक इनके अंडर ही हुआ। मंगोल्स अटैक दिल्ली सल्तनत फॉर फर्स्ट टाइम। और इन मारने वाले कौन थे आपके, मसूद शाह, किल्ड बाय मसूद शाह, जो कि इनके भाई थे। भाई भाई की हत्या ही करा जा रहा था, तो भाई की हत्या खुद होनी थी। मसूद शाह भी कुछ ज्यादा आपके कुछ कर नहीं पाए, ये भी 1242 से लेके 1246 तक ही रहे, इसलिए यहीं भी लिखवा देता हूँ, ये भी आपके 1242 से 1246 तक ही रहे। कुछ ज्यादा इन्होंने भी नहीं करा जिंदगी में अपनी, आपके दिल्ली सल्तनत की, बस सिवाय अपने भाई को मारने के अलावा इनसे ऊपर और कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। बहुत ही निकम्मे आप कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि इनके बारे में कुछ पढ़ने लायक हमारे लिए है नहीं। चले, अच्छा है, जितना कम पढ़ने को मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा हमारे लिए, है ना। बहुत ही निकम्मे मेरे को लगते हैं जो कुछ कर नहीं पाए, वरना बाकी सारे भाई बहन ने तो भाई चलो दल चले जाएगा साथ, थोड़ी कॉन्स्परेसी बना ली, ठीक है, क्राइम पेट्रोल का शो बना दिया, या कुछ ऐसे पॉलिटिकल ड्रामा करा। मसूद शाह जी तो मारा और चुपचाप से 4 साल जी ले, ना कुछ बनाया ना कुछ करा, चलो अच्छा है, ना कुछ पढ़ने को मिला हमारे को इनके बारे में। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद जो इनके भाई थे, उन्होंने मसूद शाह को हटाया। ठीक है, उन्होंने आपके मसूद शाह को हटाया और
उन्होंने उनका एक वजीर था बलबन, जिन्हें वो उलूक कान कहते थे, जिन्हें वो उलूक कान कहते थे आपके नसीरुद्दीन महमूद। ओके, उन्होंने बलबन को बहुत ज्यादा दर्जा देने लग गए। तो बलबन ने भी एंड में वही करा जो हर कोई करता है, दगा। उन्होंने भी दगा दी। तो ग्यासुद्दीन बलबन ये एक इंपॉर्टेंट रूलर है, ठीक है, मैं अभी लिखवाऊंगा आपका। तो वो कैसे बने और कैसे कुछ कर नहीं पाए, वो वही था क्योंकि आप कह रहे हो ना, आप अगर दगा दे रहे हो किसी को तो कर्मा स्ट्राइक बैक। मैं कहता हूँ ना हमेशा कि कर्मा घूम फिर के पलट के आपके पास आता ही आता है। तो कर्मा ने उन्हें स्ट्राइक करा और कर्मा उनके पास घूम फिर के पलट के आया। ओके, अगला था आपका नसीरुद्दीन महमूद। थोड़ा सा मान देंगे मसूद शाह जी को, बहुत मजाक करते हैं उन्हें, पर इसे किल नहीं लिखेंगे, लिखेंगे रिमूव मसूद शाह, अपने रास्ते से हटाया एक कंकड़ की तरह, निकम्मे ही थे बिल्कुल ही, कुछ करा ही नहीं, हट भी गया आसानी से, ठीक है। और ये रूलर बने आपके नसीरुद्दीन महमूद कब से कब तक? 1240 से लेके 1265 तक। इनका एक वसीर था जिसे बलबन कहते थे, जिसको ये उलूक कान कहते थे। उस वजीर ने भी धोखा दिया। वजीर बहुत लंबा टिका, वजीर टिका आपका 1296 से लेके, सॉरी 1265 से लेके 1287, 1287, मतलब 1246 से तो 1265 तक वो रहे क्या वजीर। बलबन का भी जो वजीर का कार्यकाल था वो भी ये इतने साल रहा, 19 साल। मतलब इनडायरेक्टली यही थे रूलर फ्रॉम 1246 टू 1287, 41 साल इन्होंने ही रूल करा। और फिर आपके बलबन जी, ठीक है, जिनका पूरा नाम था आपका ग्यासुद्दीन बलबन, वो बने आपके असली रूलर फ्रॉम 1265 टू 1287, 1265 से लेके 1287 तक। यही आपके क्या बने थे? अगले दिल्ली सुल्तान, अगले दिल्ली के सुल्तान यही बने थे। तो देखिए 41 साल तक, पहले 19 साल इनडायरेक्टली, बाकी के 22 साल आपने डायरेक्टली रूल करा, ठीक है। नेक्स्ट सुल्तान, अगले सुल्तान कौन थे आपके? ग्यासुद्दीन बलबन। ओके, अगला पढ़ते हैं थोड़ा सा आपके ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में, कि भाई इन्होंने कुछ ऐसे कारनामे करे, और कारनामे करने वाला भी इन्होंने काम करा, कारनामे वाली चीजें भी इन्होंने करी। तो पढ़ते हैं इनके बारे में, क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बलबन ही लिखूंगा मैं आराम से, ये डेट नहीं लिख रहा इन्होंने। सबसे पहले तो दल चलीसा, इन्होंने कहा भाई दल चलीसा बहुत खतरनाक है, दल चलीसा को हटाओ। इन्होंने एबॉलिश करी आपके दल चलीसा, पूछ सकते हैं बनाने वाला कौन और एबॉलिश करने वाला कौन। बनाने वाले आपके इल्तुतमिश और एबॉलिश करने वाले आपके कौन? बलबन। इन्होंने फिर आपका एक आयरन एंड ब्लड सिस्टम शुरू करा, ठीक है। और फिर उन्होंने आपका सिजदा और आपका पाइबोस, ठीक है, वो शुरू करवाया, स्टार्टेड सिस्टम ऑफ सजदा एंड पाइबोस। ओके, अगला फिर उन्होंने एक नया फेस्टिवल, किसको हम कहते हैं, नवरोज, जो कि आपका पर्शियन न्यू ईयर है, वो स्टार्ट करा। और अगले बार फिर उन्होंने टाइटल लिया आपका जिले लाई, ठीक है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं आपका शैडो गॉड। 1287 में हुआ आपका मंगोल्स का दूसरा अटैक, जिसमें इन्होंने अपने बेटे शहजादा मोहम्मद को कंट्रोल करने को भेजा, लेकिन शहजादा मोहम्मद मर गए। और इसी दुख के गम में बलबन जी भी आपके 1287 में मर गए। और जो इनका बेटा है और जो आपके बलबन जी हैं, उन दोनों का आप जो आपका मकबरा है वो आपका एक ही जगह पे है, वो कहाँ पे? दिल्ली के महरौली के इलाके में दोनों का मकबरा है। तो जो ये बातें मैंने आपको बोली हैं ये मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको बातें बोली हैं लिखवाता हूँ, ठीक है। पूछ सकते हैं स्टार्टेड क्या क्या स्टार्ट करो, ऐसे एक एक करके लिखेंगे। ये एस एस गई हो तो सिस्टम ऑफ आयरन एंड ब्लड, मीनिंग के लिए आपको फुल फ्लेज्ड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, क्रैश कोर्स के सबसे इतना ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं पे भी, जब मैं फुल फ्लेज्ड कोर्स यूट्यूब पे कराऊंगा तब आपको इसमें समझाऊंगा। उसके बाद उन्होंने सिजदा एंड पाइबॉस, किसी को अगर ज्यादा उत्सुकता है तो वो नेट पर सर्च कर सकता है, आपको मिल जाएगा।
दूसरी चीज इन्होंने नवरोज भी स्टार्ट करा जिसे हम पारसी न्यू ईयर कहते हैं, पारसी नववर्ष, इन्हें हम पारसी नववर्ष भी कहते हैं। अगला took the title of जिल्ले इलाही, जिसका मतलब होता है आपका शैडो ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड का टाइटल लिया इन्होंने, भगवान की परछाई, शैडो ऑफ गॉड। शैडो ऑफ गॉड का इन्होंने टाइटल लिया। ओके, इन्होंने दल चलीसा को खारिज करा, इन्होंने सिस्टम ऑफ आयरन ब्लड स्टार्ट करा, देन पाई वॉर्स भी स्टार्ट करा, नवरोज इन्होंने स्टार्ट करी, इन्होंने जिल्ले लाई का खिताब लिया जिसे हम क्या कहते हैं आपके शैडो ऑफ गॉड भी कहते हैं। ओके, इसको नोट करिए फिर तब तक आगे चलेंगे, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। मैं बहुत ही सेग्रीगेटेड मैनर में मैंने आपको लिख के रखा हुआ है जिसमें मैं आपको अच्छे से करवा पाऊँ, क्योंकि मैं आपको चीज़ें वही करवा रहा हूँ ताकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है तो एक क्रैश कोर्स, आपका पेपर जब होगा आपको पूरी तैयारी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ जल्दी से सिलेबस खत्म करके मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊँ जितने मैं आपको करवा सकता हूँ। आगे चलते हैं, 1287 में होता है आपका सेकेंड अटैक ऑफ मंगोलाइट्स, पहला अटैक भी पता होना चाहिए आपको, सेकेंड अटैक ऑफ मंगोल्स। जिसमें इनके बेटे शहजादा मोहम्मद मर जाते हैं, शहजादा मोहम्मद जो इनके बेटे होते हैं सन डाइज, और इसी के शौक में बलबन, दो मिनट मैं लिख रहा हूँ, गाइज, गाइज तो आप सारे ही हो लेकिन यहाँ पे डाइज होगा, बलबन डाइज ड्यू टू शॉक, बलबन शॉक के तहत मर जाते हैं, इसलिए दोनों का मकबरा कहां पे आपका टॉम बिन मेहरौली दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे, किसका बलबन प्लस सन, दोनों का जो आपका टॉम्ब है वो कहां पे आपका दिल्ली के बाहर मेहरौली में। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमने सक्सेसफुली अपनी पहली जो आपकी सल्तनत थी उसे ख़त्म कर लिया, पहली जो आपकी डायनेस्टी थी उसे ख़त्म कर लिया, और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि हमारी पहली जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई है, और थोड़े से और चीज़ें जो हमारे को पढ़नी है, ठीक है, थोड़ी सी कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे को पढ़नी है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब ये तो आपका मेन जो दिल्ली सल्तनत थी पहली थी वो ख़त्म हो जाती है, दिल्ली सल्तनत थी पहली थी आपकी स्लेव डायनेस्टी जिसे ममलू क्या आपके इल्बादारी भी बोलते हैं आपका। तो अब बलबन के बेटे तो मर गए शहजादा मोहम्मद, अब बसते उनके पोते जिनका नाम था क्या आपका, पोते का नाम था आपका कायाबाद, कायाबाद अगले आपके सुल्तान बने 1287 से 1290, ठीक है, और उनके इनएक्सपीरियंस और उनके मतलब कह सकते हो कि कुछ ऐसी क्वालिटीज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आपके इनकॉम्पिटेंस, वो रूल करना ही चाहते थे, हर चीज़ अपने हिसाब से करना चाहते थे। तो जब पंजाब के इक्तदार था आपके मलिक फिरोज, उन्होंने बगावत करी और उनके भाई कैमर्स को कहा कि तुम बैठो, कैमर्स बैठे थे 1290 में, लेकिन फिर से मलिक फिरोज ने कहा कि नहीं यार अब इनसे होता नहीं, इन्होंने खिलजी रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, और खिलजी रेवोल्यूशन के बाद ही क्या बना आपका खिलजी डायनेस्टी। तो सब लिखते हैं, कैमर्स इनके आखिरी रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के, पूछा जाता है कि हु वाज़ द लास्ट रूलर, बहुत बच्चे आपके कायाबाद में कंफ्यूज होते हैं जबकि कायाबाद नहीं था आपका, कायमर्स लास्ट रूलर था। ओके, और दोनों टाइम पे बगावत करने वाला कौन था आपका, मलिक फिरोज या फिरोज मलिक। फिर पूछते हैं कि वो कहाँ के इक्तदार थे, वो आपके पंजाब के इक्तदार थे, ऑप्शन देते हैं मगध, बदाऊं, अजमेर, दिल्ली, वो आपके पंजाब के इक्तदार थे, लिखते हैं। कायाबाद नेक्स्ट रूलर 1287 तक 1290, इन्होंने भी कुछ ज्यादा कुछ करा नहीं, नाम ही डुबोया,
मलिक फिरोज, फिर आप वही लिखे, फिरोज मलिक ही लिखे आप, वरना फिर मलिक कफूर से उसको कंफ्यूज कर देंगे। फिरोज मलिक जो पंजाब के इकतदार थे, उनका रिवोल्ट, टाइमर्स बैठे आपके रफली 6 महीने के लिए भी नहीं बैठे होंगे, रुक जाएंगे, बड़ा गंदा से लिखा है मैंने। टाइमर्स बैठे कहाँ पे आपके 1290 के लिए बैठे, ठीक है, ये आता है आपके लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ऑफ स्लेव्स, मलिक ने फिर से बगावत करी, अगेन रिवोल्ट, उन्होंने खिलजी रेवोल्यूशन स्टार्ट करा। और इसी रेवोल्यूशन के तहत आपके खिलजी डायनेस्टी का जन्म होता है, ठीक है, जो 1290 से लेके 1320 तक इन्होंने दिल्ली पे हुकूमत करी। तो देखिए, हमने आपके स्लेव डायनेस्टी ख़त्म कर ली, एक बार फिर से पूरा रिवाइज करवाना चाहूँगा ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी, इसने 1206 से लेके 1290 तक फिर रूल करा, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड करा था। उन्होंने कभी भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि आपके स्लेव थे मोहम्मद गोरी को, उन्होंने कभी भी मतलब कहते हैं ना कि थ्रोन पे कदम नहीं रखा। इन्होंने 1206 से लेके 1210 तक रूल करा और ये कभी भी थ्रोन पे नहीं बैठे। इन्होंने इस्टेब्लिश कर दी थी आपकी स्लेव डायनेस्टी। इन्होंने टाइटल लिया था आपका सिपा सलार। इन्होंने लाहौर को कैपिटल बनाया और 1 लाख रुपये दिए सबको, और इसलिए 1 लाख रुपये देने के कारण इन्हें लख बख्श का टाइटल दिया गया, और इन्हें हम ममलूक या इलबारी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, स्वीडो डायनेस्टी को। अगला, इन्होंने इल्तुतमिश को गवर्नर बनाया आपके बदाऊँ का, जो कि इनके स्लेव थे। 1210 में ये पोलो खेलते हुए मर गए और इनको लाहौर में दफन करा गया, और इनका टोम भी लाहौर में ही है। अगला, 1211 में इन्होंने बैटल ऑफ जूद लड़ा, जो आरम शाह और इल्तुतमिश के बीच में था। इल्तुतमिश जीत गए और 1211 में इन्हें पहला सुल्तान हिंदुस्तान का बनाया गया। और इल्तुतमिश आपके एक्चुअल फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी के, जिसको ये नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने फोटो लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर हुआ था आपका थर्सडे को पढ़ाई वाला, उसे फोटो यहाँ थी, अब मैंने यहाँ कर दिया, तो वो पहले का लेक्चर देख सकता है अगर कोई डायरेक्टली इस लेक्चर पर आ रहा है, तो उसमें सही था। मैंने ओरिएंटेशन ऐसी करी कि अब मैं इस साइड फोटो कर दिया तो आपको और अच्छे से देखें, इसलिए। लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया कौन था आपका? इब्राहिम लोधी, जैसे मैंने बताया था 1526 में। इल्तुतमिश जो कि 1211 से लेकर 1236 तक इन्होंने रूल करा। तीसरा बैटल तरेन आपको यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ, और पहले दो आपके आपके मोहम्मद गुरर आपके पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए थे। 1221 में जेंगिस खान ने पहली बार हिंदुस्तान में इन्वेशन करी, क्या कहते हैं उसे, कि हिंदुस्तान में पहली बार उन्होंने उसको लूटने के मकसद से आए। इल्तुतमिश ने आपके टंका और आपके जीतल, टंका आपके सिल्वर और आपके जीतल आपके कॉपर कॉइन्स थे। इन्होंने दागे चलीसा या 40 ट्रस्टेड स्लेव का सिस्टम भी स्टार्ट करा। इकता सिस्टम, जिसमें आपके इकतदार बनाया जाता था, जिसके काम होता था आपका सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना, वो भी इन्होंने बनाया। इन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट करा। कुतुब मीनार को बनाने वाले कौन थे आपके? ऐबक साहब, और ये आपके कुतुबिन बख्तियार अली, जो कि आपके सेंट थे, उनके नाम पे था। 1299 में कुतुब मीनार की मतलब मरम्मत या बनाने की विधि शुरू होती है। 1229 में इल्तुतमिश इसे ख़त्म करते हैं। 1369 में फिरोज शाह तुगलक फिर से बनाते हैं। 1479 से लेकर 1517 तक सिकंदर लोधी भी इस पर काम करवाते हैं। 1229 में इल्तुतमिश ने अपनी कैपिटल को दिल्ली भी शिफ्ट करा। 1237 में ये मर जाते हैं और इनका टोम बाको कुतुब मीनार में। रजिया सुल्तान, जो कि अगली रूलर बनने वाली थी, लेकिन उनके भाई रुकमुद्दीन आपके सिंहासन पर बैठते हैं। रजिया सुल्तान उनको मरवा देती हैं और रजिया असली अगली सुल्तान बनती है। रजिया सुल्तान जो कि 1237 से लेकर 1240 का सुल्तान बनी, और दिल्ली सल्तनत की इकलौती फीमेल रूलर थी। बैरम शाह जो कि इनके भाई थे, और दल चलीसा, दोनों इन्हें मरवाना चाहते थे, क्योंकि ये कहते थे कि एक औरत हमारे को रूल कैसे कर सकती है। एदगुन जो कि बदाऊँ के, और अतुनिया जो कि पंजाब के, इनके बहुत ही ट्रस्टवर्दी इकतदार से, लेकिन उन्होंने भी इन्हें दगा दी। इनका एक लवर था आपका यकूत खान, जिन्होंने इसे अमीर है
अखनूर बना दिया हॉर्स स्टेबल का हेड। 1240 में दुनिया ने भटिंडा में रिवॉल्ट करा और उसने यकूत खान को मार दिया और उसे प्रिजनर बना लिया, कहा कि मेरे से शादी करो तभी मैं दिल्ली तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम सुल्तान बने रहना लेकिन मैं तुम्हारा शौहर हूँ इसलिए मेरी भी चलेगी। तो दिल्ली उन्हें लेके आ गया। इनको बहरम शाह मार देता है आपके कैतल हरियाणा में, और इसलिए वजह सुल्तान का टोम्ब आपका कैतल में है। बहरम शाह जो कि 1240 से 1242 तक बनते हैं, और उन्होंने एक नई पोस्ट करी थी आपके नयाब-ए मुहम्मलक, जिसमें पहली बार कौन बने थे, एदगिन। मंगोल्स ने पहली बार इनके अंडर ही अटैक करा था, और इनको मारने वाले कौन थे, इनके भाई मसूद शाह जो कि 1242 से 1246 तक आपके सुल्तान बने, लेकिन कुछ ऐसा काम वाम उन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ सुस्ती हमारी है। नसीरुद्दीन अहमद ने मसूद शाह को हटाया और 1246 से 1265 तक रूल करा। इनके एक वजीर थे बलबन, जिनको ये प्यार से आपके उलूक खान कहते थे। बलबन ने आपके पूरा नाम तो गयासुद्दीन बलबन, इन्होंने पहले 1246 से लेकर 1265 तक आपका इनडायरेक्टली रूल करा, और फिर गयासुद्दीन बलबन ने आपका 1265 से लेके 1287 तक सुल्तान की तरह रूल करा। बलबन जिन्होंने दल चलीसा सिस्टम एबॉलिश करी, इन्होंने स्टार्ट करा सिस्टम ऑफ फायर एंड ब्लड, सिस्दा एंड पाइबोस, नवरोज भी इन्होंने स्टार्ट करा जिसे हम पारसी न्यू ईयर कहते हैं, और इन्होंने जिले लाई का खिताब भी लिया जिसे हम शार्ट ऑफ गॉड कहते हैं। अगला 1287 में दूसरा अटैक होता है मंगोल्स का, पहला था आपका बहरम शाह के अंडर। इनके बेटे थे, ये पुत्र थे आपके शहजादा मोहम्मद, जो इस बैटल में मर जाते हैं, और बलबन भी इसी शॉक में निकल जाते हैं। इन दोनों का जो आपका मकबरा है वो आपका मेहरौली में है, जो कि आपका दिल्ली में, बलबन और उनके बेटे शहजादा मोहम्मद का। क्या बात, जो कि इनके पोते थे आपके बलबन के, वो अगले रूलर बनते हैं 1287 से लेकर 1290 तक। फिरोज मलिक जो कि आपके पंजाब के इकतदार थे, वो इनके खिलाफ करते हैं बगावत करते हैं, और आपके काइमर्स जो आपके लास्ट रूलर थे आपके स्लेव डायनेस्टी के, वो बनते हैं 1290 के लिए। मलिक साहब फिर से रिवोल्ट करते हैं, और इसके इसको कहते हैं खिलजी रेवोल्यूशन, और इसी के बाद आपकी खिलजी डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट होती है। इसी के बाद क्या होती है, आपकी खिलजी डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, आपकी खिलजी डायनेस्टी। बारह सौ नब्बे से लेकर 1320 तक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन फॉर अ दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी। एक दिल्ली सल्तनत के जो आपके डायनेस्टी थे उसमें सबसे इनका शॉर्टेस्ट टर्म था, मतलब शॉर्टेस्ट पीरियड था रूल करने का। शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन फॉर अ दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी किसके लिए था, आपका खिलजी डायनेस्टी के लिए था। ओके, फाउंडर था आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो इनके दूसरा नाम क्या आता है, मलिक फिरोज या फिरोज मलिक, मैं यहाँ लिख देता हूँ इनका दूसरा नाम क्या था आपका, मलिक फिरोज भी आप कह सकते हैं इन्हें। ओके, फाउंडर कौन थे आपके इसके, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या आपके मलिक फिरोज। जलालुद्दीन तो मैं लिख रहा हूँ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये कौन थे आपके, खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे, और ये वही थे जिन्होंने बगावत करी थी आपकी स्लेव डायनेस्टी में। हमने क्या पढ़ा, इसका कार्यकाल था 1290 से लेकर 1320 तक, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन थी, 30 साल तक ये दिल्ली सल्तनत पर रूल कर पाया, लेकिन बहुत आप कह सकते हो कि बेहतरीन तरीके से रूल करा। और इसके फाउंडर थे आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी के बारे में, ठीक है। और जो इनका पहला मिशन था, अगर आप तो मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि इन्हें ढक्कन भेजा जाता है, जो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे, जो कि इनके दामाद भी थे और उनके भतीजे भी लगते थे, और ये एक तरीके से उनके स्लेव भी थे। तो उन्हें आपके साउथ भेजा जाता है आपका देवगिरी में, जो कि आपका महाराष्ट्र में था, और उसके रूलर था आपके रामचंद्र देव। तो अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ भेजा जाता है कि आप जाइए वहाँ पे
और क्या कहते हैं कि आप वहाँ पे लूटपाट करके आएंगे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे लूटपाट करके रुक जाते हैं। आपने मूवी में देखा होगा, मूवी में पहली बार कुछ हिस्ट्री की चीज़ ठीक दिखाई है, तो आपके मलिक फिरोज जी जाते हैं वहाँ पे पूछने के तुम क्यों रुके हुए, और जानबूझ के एक प्लान होता है, एक सेटअप होता है उन्हें बुलाने का वहाँ पे, ताकि ये दिल्ली से निकलें और ये खबर पहुँच जाए कि दिल्ली के सुल्तान मर चुके हैं और अगले सुल्तान आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं। तो ये उन्हें मार देते हैं वहाँ पे देवगिरी में, और देवगिरी में मारने के बाद इनका सर लेके और वहाँ पहुँचते हैं दिल्ली में, ताकि ये बता सके कि अगर किसी ने मेरे से बगावत करी तो उसका ये इल्ज़ाम और अंजाम यही होगा। मलिक फिरोज सिर्फ आपके 1293 तक ही रहे थे आपके, और तो मैं पहली बात मैं देख लूँ। और दूसरी चीज़ आपको पता होगा, अगर आपने मूवी देखी है, कि इनकी जो बेटी थी आपकी मलिक फिरोज से, उनके ही इनकी शादी हुई थी, तो इस डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पहली बात, पद्मावत के ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा कि पद्मावत किसने लिखी, तो बहुत अच्छा लगता है कि मलिक कफूर ने लिखी, अबू फजल ने लिखी, ये सब नहीं थी, लिखी बाद में गई थी, आइडिया कंसीव हुआ था वो बहुत पहले हो चुका था, आइडिया पास ऑन होता था, स्टोरी पास ऑन होती थी, जैसे मैं आपको एक आज कहानी सुना रहा हूँ, अभी आगे चल के कहानी सुनाओगे, ऐसे कहानियाँ सुनाई जाती थी, लेकिन लिखने वाले कोई और थे। ओके, 1293 में पहला अटैक होता है आपका, फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन साउथ, और कौन कर रहा था आपका, मलिक फिरोज जी, किसके थ्रू आपका, अलाउद्दीन के द्वारा ही, फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन साउथ। इस डायनेस्टी की खास बात कि पहला मुस्लिम अटैक करा साउथ में, कहां पे आपका, देवगिरी में, उस टाइम पे देवगिरी कहां पे था आपका, महाराष्ट्र में आज के टाइम के, उसके रूलर कौन थे आपके, रामचंद्र देव, तो रामचंद्र देव जी इनके रूलर थे। पहला मुस्लिम अटैक हुआ आपका 1293 में, अलाउद्दीन खिलजी का नाम था आपका अली गुर शरपा, ठीक है, और ये आपके कर्नाटका के इक्तदार थे, और इनके आपके करा के इक्तदार थे, और इनके हिस्से में आता था आपका कौशाम्बी और प्रयागराज, जो करा एरिया था उस टाइम पे आपका कौशाम्बी और प्रयागराज का था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी, मैंने जैसे बताया इनके भतीजे भी थे और इनके दामाद भी, अलाउद्दीन खिलजी ये आपके एक इक्तदार थे करा के, करा आपका ये आज के टाइम पे आपका कौशाम्बी और प्रयागराज है। उस टाइम पे करा ही ऐसा हुआ करता था, ये वहाँ के इक्तदार थे, तो इन्हीं के भी भाई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप एक तो दामाद हो, आपके चाचा अगर एक पूरे डायनेस्टी के रूलर हैं, दिल्ली सल्तनत मतलब पूरा मान लो कि आप पूरे हिंदुस्तान में रूल कर रहे हो, तो आपको भी एक अच्छी जगह की इक्तदारी दी जाएगी जो कि बहुत पास हो, है ना। 1296 में होता है तीसरा अटैक मंगोलाइड्स का, पूछ सकते हैं कि आजकल टोटल कितना अटैक होता है, धीरे धीरे चल के आपको पता चल जाएगा, लेकिन 1296 में होता है आपका तीसरा अटैक, पहला अटैक था आपका बैरम शाह के अंदर, ठीक है, दूसरा अटैक था आपका बलबन के अंदर, और तीसरा अटैक था आपका 1296 में किसके अंदर, मलिक फिरोज के अंदर। मैंने पहले गलती से कहता हूँ कि 1293 तक नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था, 1296 में थर्ड अटैक को मंगोलॉइड्स होता है, लेकिन हराने वाले कौन होते हैं, तीसरा अटैक को मंगोलॉइड्स में आपके कौन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने हरा देते हैं, फिरोज भेजते हैं इन्हें अलाउद्दीन खिलजी को कंट्रोल करने के, और अलाउद्दीन हरा देते हैं, अलाउद्दीन हरा देते हैं आपके, और जो मंगोल्स के 2000 सोल्जर्स होते हैं वो बड़े ना प्रभावित हो जाते हैं आपके अलाउद्दीन से, कहते हैं हमारे को यहाँ रुकना है, अलाउद्दीन कहते हैं ठीक है तुम्हारे को इस्लाम धर्म अपनाना होगा, कहते हैं हमें अपना लेंगे लेकिन हमारे को रहने के लिए एक जगह चाहिए, अगर कोई दिल्ली का रहता हो उसे पता होगा कि आपका एक मंगोलपुरी करके दिल्ली में एक जगह है, तो मंगोलपुरी इसी से हुई थी फेमस, क्योंकि वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जी ने जो मंगोल्स थे उनके लिए एक जगह बनाई थी, इसका नाम क्या पड़ गया आपका, मंगोलपुरी, तो मंगोलपुरी एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई एक जगह थी, जहाँ पे आपके सारे जो मंगोल सोल्जर्स थे वो आके रह रहे थे, वो आके रह रहे थे वहां पे बस गए थे, ठीक है। थर्ड अटैक ऑफ मंगोलाइड्स होता है, ऐसे आपका एक और जगह है आपकी दिल्ली में
तुगलकाबाद वो भी ऐसी स्टोरी पे कि जो आपके तुगलक वंश के एक कोई रूलर था उसने बनाई थी, जब हम तुगलक पढ़ेंगे आपको मैं अच्छे से बता पाऊंगा ठीक है, तो उसने बनाई थी। यहाँ पे थर्ड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स होता है 1296 में। फिरोज मलिक की सबसे बड़ी गलती कि अलाउद्दीन खिलजी को भेजा कंट्रोल करने, है ना। मलिक सेंट अलाउद्दीन टू कंट्रोल मंगोल्स डिफीटेड टू थाउजेंड स्टेट बैग्स ठीक है। उन्होंने आपके मुस्लिम्स को अपनाया और उन्हें ये हम नए मुसलमान या न्यू मुस्लिम्स कहने लग गए, और इनके लिए एक नया शहर बसाया जिसे हम मुगलपुर या आपका मंगोलपुरी भी कहते थे। इन्होंने एक्सेप्टेड इस्लाम, न्यू सिटी जैसे हम आपका मंगोलपुरी या आपका मुगलपुरी भी कहते हैं, मंगोलपुरी या मुगलपुरी भी कहते हैं। 1296 में आपका तीसरा अटैक होता है आपका मंगोलॉइड्स का, और मलिक साहब भेजते हैं आपके अलाउद्दीन को कंट्रोल करने के लिए। मंगोल्स को हरा दिया जाता है, 2000 मंगोलियन सोल्जर्स वापस रह जाते हैं, ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और इनके लिए एक नया शहर जैसे हम मंगोलपुरी या मुगलपुर कहते हैं वो बसाया जाता है। आप इतना नोट करिए फिर हम आगे चलेंगे। मेरा टाइम देख लो, हाँ चलिए अभी तो थोड़ा है टाइम, लिख सकते हैं। ओके, अलाउद्दीन फिर से आपके देवगिरी को अटैक करते हैं और लूट लेते हैं, और कि ये इनके सुनने में आता है अलाउद्दीन के कि पता चल गया कि देवगिरी पे फिर से अटैक करा गया, क्योंकि देवगिरी आपका एक बहुत ही अमीर किंगडम था, उस पर अटैक करा गया। पता चल गया है जिसको जो इनके चाचा जान थे फिरोज मलिक को, और फिरोज मलिक इनसे मिलने आ रहे हैं, ये इन्हें पता चल जाता है, कोई खबर दे देता है, तो ये फिर एक चाल बनाते हैं, और उस चाल के तहत फिर ये इन्हें मार देते हैं कि इन्हें अपने चाचा को मार देते हैं धोखे से। क्या कहा मैंने, अलाउद्दीन अटैक्स देवगिरी, फिरोज मलिक मीट सिंह और अलाउद्दीन किल सिंह, और अलाउद्दीन क्या बन जाता है आपके नए सुल्तान बन जाते हैं दिल्ली के, ठीक है, ये नए सुल्तान बन जाते हैं दिल्ली के। ये आपके नए सुल्तान बनते हैं दिल्ली के, दिल्ली के नए सुल्तान कौन बनते हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी। कब से कब तक आपके 1296 से लेके 1316 तक, 1296 से लेके आपके 1316 तक आपके ये क्रम में तक। इनके दो कोरोनेशन हुए थे, एक आपका कोरोनेशन होता है आपके देवगिरी में जब ये हो जाते हैं, दूसरा कोरोनेशन आता है आपका लाल पैलेस ऑफ बलबन में ठीक है। इन्होंने अपने आप को भगवान से कंपेयर करा, और कहा जाता है कि एक बहुत ही पहले पहले तो इनको लोग बड़ी दुआएं देते थे, क्योंकि एक इनोवेटिव राजा थे, जो सिस्टम्स इन्होंने एस्टैब्लिश करे वो बहुत ही इनोवेटिव थे, और लोगों को मतलब कैसे टैक्स क्रेडिट करना है, लोगों को फिर राशन कैसे पहुँचाना है, किससे कितना टैक्स लेना है, और स्केच सिस्टम, इक्तेदारी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स इन्होंने शुरू करे। लेकिन कहा यह जाता है कि आए तो लोगों की पलकों पे बैठ के थे, गए थे लोगों की बदवाओं से। आगे चल के इन्होंने कुछ आइडियाज इन्होंने ऐसे इंप्लीमेंट करे जिनसे इंप्लीमेंट हो नहीं पाए, कुछ इन्होंने ऐसी बेवकूफियाँ करी जो इनके कारण से इनको बहुत ही कोस पड़ी, कहा जाता है कि बड़े कोस कोस के मरे। तो अब मेरे ख्याल से बाकी कल जो सब है हम कल करेंगे कल की क्लास में, और फिर कोशिश करूँगा कि कल आपका दिल्ली सल्तनत पूरा ख़त्म करवा दूँ।
टाइम मिला तो पहले ही लिख के आपको पूरा समझा दूंगा दिल्ली सल्तनत, फिर हम उसके बाद मुगल शुरू कर देंगे। मेरा टारगेट है कि भाई थर्सडे आपको मुगल खत्म करके फिर मंडे आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू करवा दूँ, जितने आपके एग्जाम पढ़ने व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया का बहुत सारा पार्ट हमने आपके जो पॉलिटी में था उसमें कर लिया, जो सारे एक्ट फैक्ट से फिर साइमन कमीशन पूना पैट वगैरह बहुत सारा पार्ट, मतलब वो दिन 30% मॉडर्न इंडिया का हम उसमें कर चुके हैं, और हिस्ट्री का एक 30% कह सकते हैं। तो गाइज आपको आई होप ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे, बहुत मेहनत लग रही है इसमें क्योंकि आपके लिए बहुत ही छांट छांट के लिखना पड़ता है, और यही बताना कि जो आपके क्रैश कोर्स में काम आए, मैं आपको कोई नई चीज़ पढ़ा के आपको कन्फ्यूज में करना चाहता हूँ ना आपको डराना चाहता हूँ, मैं इसे फैक्ट बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, नोट सिखा रहा था। तो कल मिलता है गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। कोई भी अगर आपके पास सजेशन है, ठीक है, पेन से रिलेटेड हो, बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, कुछ भी रिलेटेड हो, आप मेरे को भेज सकते हैं, और आज मेरे से 8-10 बजे जुड़ना ना भूलिए आपके PIQ सेशन में, आज आपका PIQ का मतलब करवाऊंगा, आपका एनालिसिस करवाऊंगा। तो गाइस हैव अ नाइस डे, और इस वीक में अच्छे से पढ़ेंगे सारे, हैव अ नाइस वीकेंड, एंड आई होप कि सारे बच्चों का अच्छे से सब कुछ हो, एंड गॉड ब्लेस यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय गाइस, टेक केयर।